हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आज देखिए, आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से कुछ यंत्र है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, और लगभग आपने काफ़ी पढ़ भी रखे होंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। तो ये जो यंत्र है, इनका सिद्धांत क्या है कार्य करने का, आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे। और हर एग्जाम में, जैसे राजस्थान पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, बिहार पुलिस हुआ, एसआई हुआ, पटवार हुआ, इन सभी में ये चीज़ें पूछी जाती है। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट चलते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, पहला देखिए, भाप का इंजन। अब ये जो यंत्र है भाप का इंजन, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? भाप का इंजन होता है जो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर। ये आंसर हो जाएगा आपका, चार ऑप्शन में इस तरह से दिया जाएगा। तो अगला है विद्युत जनरेटर। तो विद्युत जनरेटर जो है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जनरेटर जो होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, प्रेरण के सिद्धांत पर। ये विद्युत जनरेटर जो होता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए, रॉकेट प्रक्षेपण आपने पढ़ा होगा, तो ये होता है न्यूटन के गति के सिद्धांत पर। तृतीय नियम है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया जो है, रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? ये सभी यंत्र जिन सिद्धांतों पर कार्य करते हैं या जिन सिद्धांतों पर ये डिपेंड है, वो चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपने पढ़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये खुद भी आंसर दे सकते हैं अपने आप में। रेडियो एवं दूरदर्शन तो ये करते हैं विद्युत चुंबकीय संचरण पर, विद्युत चुंबकीय संचरण, बोला जाए तो एक तरह से तरंग सिद्धांत हो जाता है ये, हैं तरंग कोष्टक में लिख दिया मैंने, सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय संचरण के सिद्धांत पर। कौन कार्य करता है? रेडियो एवं दूरदर्शन, जो रेडियो एवं दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये वायुयान के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो ये एक होता है बर्नौली, आप लोग अगर साइंस के होंगे तो जानते होंगे बर्नौली के तरल गतिकी का सिद्धांत, इस पर कार्य करता है ये, बर्नौली के तरल गतिकी के सिद्धांत पर, तरल गतिकी के सिद्धांत पर। ठीक है, या आप इसको गतिकी की जगह गति विज्ञान भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ये विज्ञान भी कह सकते हैं आप इसको, बर्नौली के तरल विज्ञान के सिद्धांत पर, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। वायुयान के सिद्धांत पर कार्य करता है ये, बहुत स्टूडेंटों को पता नहीं होगा, इनको याद कर लेना, ये अभी जो हाल ही में एग्जाम होंगे उसमें किसी न किसी एग्जाम में, एक ये मोस्टली 10 ही निकाले हैं मैंने इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से पूछा जाएगा, देखना अगर कोई सिद्धांत पूछा तो आपको इसी में से मिल जाएगा आपका। अब देखिए नंबर 6 पे सोनार। तो सोनार क्या होता है? परास्रव्य, मैंने आपको बताया था पहले की पिछली वीडियो में जाके देखना, परास्रव्य तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर, परास्रव्य तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर सोनार कार्य करता है भाई। ठीक है, अब प्रकाशिक रेशे जो तंतु होते हैं, आपने देखा होगा जो प्रकाशिक रेशे होते हैं या तंतु होते हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर।
ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाशिक तंतु, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। और ये है अगला आपका आठवां नंबर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं। नवे नंबर पे देखिए आपके, फोटोसेल यंत्र जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फोटोसेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको ये बताना है। तो ये कार्य करता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, या प्रकाश विद्युत प्रभाव ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। ये भी आपका हो जाता है आंसर। और नाभिकीय रिएक्टर तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए, बताइए। सभी सभी जानते हैं, नियंत्रित नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। तो ये 10 इम्पोर्टेंट थे आपके लिए आज की वीडियो में, जो यंत्र हैं एक तरह से हम इनको बोल सकते हैं। तो ये किस सिद्धांतों पे कार्य करते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। अभी जो हाल ही में बिहार दरोगा है, राजस्थान पुलिस है, SI है, ये बिहार पुलिस SI है, पटवार है, आगे जो एग्ज़ाम आएंगे आपके ग्रुप डी वगैरह के, तो उन सभी एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। इसमें से कई ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, तो ये मोस्टली 10 याद कर लेना, आपके प्रश्न इसमें से बैठ जाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।